भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को प्रबंधन ने अपने गोद लिए गांव के ग्रामीणों को बाल्को के नए संयंत्र का अवलोकन कराया। ग्रामीणों ने एल्यूमिनियम के विभिन्न उत्पाद बनते देखकर हार्दिक प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि बाल्को की उन्नति ही हमारा संबल है। सभी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, बच्चों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं की सराहना की। बाल्को के गोद लिए गांव लालघाट, रुकबहरी, भद्रापारा, दोंदरो और बेलाकचार की लगभग 40 महिलाओं और पुरुषों के दल ने बाल्को संयंत्र 2 का अवलोकन किया। ग्रामीणों को बाल्को लर्निंग सेंटर में मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्री एस के उपाध्याय ने संयंत्र अवलोकन के दौरान आवश्यक सुरक्षा अपनाने के निर्देश दिए। बाल्को के गोद लिए गांव के नागरिकों ने ग्रीन एनोड प्लांट, पॉट रूम, कास्ट हाउस और पावर प्लांट की कार्यप्रणाली देखी। संबंधित इकाइयों के अधिकारियों ने ग्रामीणों का आत्मीय स्वागत कर उन्हें बाल्को के अनेक उत्पादों से अवगत कराया। बाल्को का अवलोकन कर प्रभावित हुए रिसदा के गणमान्य नागरिक श्री मोतीराम साहू ने बताया कि बाल्को के नए और पुराने संयंत्र में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि वे नए संयंत्र की अत्याधुनिक मशीनों और गृहसज्जा से काफी प्रभावित हैं। श्री साहू ने यह भी बताया कि संयंत्र विस्तार के साथ बाल्को ने सामुदायिक विकास के कार्यों को भी गति दी है। आज हम लोगों ने बाल्को भ्रमण किया, बाल्को मैनेजमेंट द्वारा बाल्को के आसपास के ग्रामीणों को प्लांट विजिट का जो अवसर दिया गया, जो व्यवस्था किया गया, काफ़ी अच्छा रहा। और मेरे ख्याल से इसके पहले जब शासकीय था बाल्को, उस समय ऐसा व्यवस्था कभी नहीं किया गया। समुदाय दृष्टि से बाल्को का एक पहल वास्तव में सराहनीय है। नया प्लांट आधुनिक तकनीक पर निर्मित है। आज हम लोगों ने देखा, इसके पहले बाल्को के पुराने प्लांट को हम लोगों ने देखा था, बीच बीच में जब भी मौका लगा उस प्लांट में, इसमें मूलभूत काफ़ी अंतर देखने को मिला। वास्तव में आधुनिक तकनीक का एक जीता जागता नमूना है। पर बाल्को के सामुदायिक कार्यक्रम आसपास के ग्रामों में चलाए जा रहे हैं, वो भी सराहनीय है। दोंदरो गांव के पटेल श्री मनिहार सिंह ने बताया कि बाल्को उनके गांव में सामुदायिक विकास की अनेक गतिविधियां संचालित कर रहा है। महिलाओं को दोना और पापड़ निर्माण का प्रशिक्षण देकर बाल्को उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने में सराहनीय योगदान कर रहा है। रिसदा के ग्रामीण श्री गोवर्धन सिंह और प्रौढ़शिक्षा केंद्र की संचालिका श्रीमती सरिता श्रीवास्तव ने बताया कि उनके क्षेत्र में बाल्को की ओर से संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य और प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
बेला की सरपंच श्रीमती विमलाबाई और ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह राठिया ने बताया कि संयंत्र अवलोकन के दौरान बालको अधिकारियों से उन्हें भरपूर सहयोग मिला। बालको प्लांट में भूमि वगैरह हैं पूरे गांव के लेके, उन्हें जितना ग्राम विकास समिति के हैं यह बहुत अच्छा लगे। सेल हाउस चिमनी बेला ने पूरा घूमघाम किया, बहुत अच्छा लगा। पैसे बालको से हम बहुत सहयोग मिला था, बालको के साहब मंत्री ने बहुत हम लोग मदद करना चाहते हैं और बहुत मदद दे थे अभी तक के हमारे यहाँ, जबकि गांव में रतन जोत के लिए भी 30,000 रुपये दे रहे थे, अभी मार्च में ये सब करना रहे तो मार्च में हम पूरा नहीं कर पाए हैं, अभी 20,000 रतन जोत हम लगा पाए हैं मार्च भर में, तो अभी नहर में पानी कम के नाम से फिर उन्हें रोक के रखे हैं। फिर मैंने बजट लेबो के सोचा था, अभी फिर नहर में काम चला था पाइप लगाए थे, तो अभी वही काम करके प्लांट बहुत बढ़िया लगी सर, बस घूम घाम किया, बहुत अच्छा लगा।